वही कोशिश करिए कि हम लोग कंफ्यूज रखें कि हीरो कौन है, विलन कौन है. आई थिंक ये नया दौर है कि हीरो भी विलन बन सकते हैं, उनके भी नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं. और वही कोशिश करिए. मोहित सूरी की जो फर्स्ट लाइन थी, उन्होंने मुझे बोली कि ये कहानी किसके बारे में. वो कहते हैं कि कहानी एक विलन की लव स्टोरी, एक बुरे आदमी की लव स्टोरी. तो आई थिंक वही एक चीज़ में काफ़ी इंटरेस्टिंग और नया है इस पिक्चर के बारे में. तो इस फिल्म में तो एक्चुअली कोई हीरोज़ हैं ही नहीं, ये फिल्म है विलन्स के बारे में. और मैं हूँ इस फिल्म में जो दो ग्रे शेडेड कैरेक्टर्स के बीच में हूँ. और आयशा जो है मेरे किरदार का नाम, वो हमेशा खुश रहती है और फुल ऑफ लाइफ रहती है, दूसरों की मदद करना चाहती है और चाहती है कि लोग हंसे और खुश रहें. एक जोक करके हमेशा जोक्स क्रैक करती है, भले ही कोई और उसके जोक्स पे ना हंसे, वो खुद हंस देती है, खुद को बहुत फनी समझती है और बहुत बातें करती है. और कन्विंस करने की एक्चुअली ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि मुझे बहुत टाइम से गाना गाना है. आशी किसी से कोशिश कर रही है गाना गाने की, अब उनको मौका मिला. तो उस पर ऑफकोर्स आशी टुबे, जितना मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया उन्होंने मुझे मौका नहीं दिया उस टाइम पे, क्योंकि जो लेवल सिंगिंग का था आशी टुबे, वो ऑब्वियसली मैं नहीं कर पाती. एंड तो उन्होंने एक विलन में मुझे मौका दिया और एक बहुत ही खूबसूरत गाना दिया है उन्होंने मुझे. तो मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि बचपन से ही मैं चाहती आई हूँ कि आई कुड सिंग फॉर माय फिल्म्स एंड आई एम डूइंग दैट नाउ. तेरी गलियाँ गलियाँ तेरी गलियाँ मुझको भावे, गलियाँ तेरी गलियाँ तेरी गलियाँ गलियाँ तेरी गलियाँ यूँ ही तड़ पावे, गलियाँ तेरी गलियाँ. Yeah, just two films old actually, third is yet to come out. And while I was doing my second film, तब मैं मिला बालाजी मोहित सूरी and उन्होंने बताया कि ये पिक्चर में कॉन्टेंट ये है, ये किरदार है जो नेगेटिव है. तो आई थिंक कोई टाइम की पाबंदी नहीं है कि आज करें या कल करें, कोई गारंटी नहीं है कि अगर मैं और कोई पिक्चर करूँ या किसी और जॉनर की पिक्चर करूँ वो भी चलेंगी. आई थिंक हर पिक्चर में एक रिस्क होता है. मुझे पहले एक तो कहानी पसंद आई, दूसरा आई थिंक जो मोहित सूरी डायरेक्टर थे उनके इस कहानी के, वो एकदम करेक्ट है ऐसे जॉनर के लिए. क्योंकि अगर कोई ये शायद नए डायरेक्टर के साथ आती है स्क्रिप्ट, तो मैं शायद नहीं एक्सेप्ट करता या जाता इसके लिए इतना एक्साइटेड होकर. तो आई थिंक मोहित वॉज रियली करेक्ट फॉर इट एंड बी इट वॉज सो एक्साइटिंग कि इतना कुछ नया करने के लिए. आई थिंक लोग एक्सपेक्ट नहीं करते हैं तब आप कुछ करें, तो एक सरप्राइज फैक्टर, एक आउट ऑफ द बॉक्स फैक्टर आता है. और वही मुझे शायद पसंद है. अभी होपफुली जब 27th लोग पिक्चर देखेंगे तो सिमिलर रिएक्शन होगा जो ट्रेलर देखे हुआ. एक्चुअली ये बिल्कुल नर्वस नहीं हुए थे, मैं नर्वस हो रही थी इनके लिए, क्योंकि मैंने सोचा कि चलो मैं ट्रेंड हूँ और मैंने तो प्रॉपर ट्रेनिंग ली है और इन्हें तो एक ही दिन में सीखना था, तो मैं इनके लिए नर्वस हो रही थी. पर शूट के पहले दिन ही इन्होंने छलांग मारी पानी के अंदर और ये इतने कम्फर्टेबल हो गए थे और मैं तो काफ़ी शॉक थी और पूरा मज़ा ले रहे थे डाइविंग का अंडर वाटर. और हम दो दिन एक्चुअली अंडर वाटर हमने शूटिंग की, तो बहुत मज़ा आया और हमने एक लैंग्वेज भी अपना बना लिया था अंडर वाटर कम्युनिकेट करने का. और इस फिल्म के लिए मैंने बाइकिंग एक बुलेट चलानी सीखी, तो ऑब्वियसली मैं 5.5 की हूँ और एक बुलेट जो है एक बहुत ही बड़ी बाइक है, तो डेफिनेटली मज़ा तो बहुत आया. और एक्चुअली मेरा कैरेक्टर जो है आयशा, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ हर कैरेक्टर कि वो बुलेट चलाती है. वो खुद एक खुद हवा की तरह है, तो जब वो बुलेट पे ही है तो शी फील्स लाइक यू नो फ्री राइडिंग द बाइक. रितेश भी पिक्चर में है, तो हाँ ऑफकोर्स रितेश भी आई थिंक फॉर द फर्स्ट टाइम उन्होंने भी कुछ अलग करने की कोशिश करी है. उन्होंने बहुत पिक्चरें करी हैं पहले, पर अलग किस्म के जॉनर हैं, तो उनके लिए भी एक नया किरदार है एंड वो भी नेगेटिव कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं. बेशक हम दोनों जब कहते हैं नेगेटिव तो हम लोग बाय एक्शन नेगेटिव चीज़ें नेगेटिव बाय एक्शन नेगेटिव कैरेक्टर हैं जो हम चीज़ें करते हैं इस पिक्चर में नेगेटिव है. मे बी मैं ज़्यादा लाउड या अग्रेसिव या फिजिकल हूँ, वो स्लाइटली मोर अनअज्यूमिंग या आपको शायद देखने से ना लगे, बट वही इंटरेस्टिंग है कि कैसे ये कहानी में मोहित सूरी ने दो नेगेटिव कैरेक्टर्स जो अलग अलग किस्म के हैं और कैसे उनकी कहानियाँ एक साथ आती है, वही है एक.
To know more about your favorite superstar, subscribe to Bollywood Wala now and hit like if you like this story.